भाई साहब थोड़ा सा पीछे हूँ। बाबा जी बाबर भाई तो सारे सीधे हो गया, हम उम्मीदवार भी ना आ जाए। इस्माइल साहब अगे आ जाओ। गुजर खान में आप देख रहे हैं शुमाली पंजाब के फिर से और बाकायदा तौर पर उन्होंने चौधरी मोहम्मद रियाज और चौधरी खुर्शीद जमान साहब को अपनी जमात में शामिल होने पर बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया। और आप देख सक रहे हैं इस वक्त कारकुनान जो है वो अपनी जमात का मखसूस नारा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं राजा बाबर जनाब हाजी रमजान चिश्ती साहब, राजा इस्माइल, राजा सजाद करामत और दीगर इस वक्त तहसील बुजुर्ग खान तरीके के पर मौजूद। अभी आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जी जमान हाउस गुजर खान से। देखने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश है शेयर कर दे जी, प्लीज शेयर कर दे। तहरीकी भाइयों से भी गुजारिश है जी प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बैठो जी, बाबू बैठो ना, बैठो। तमाम अब आपसे गुजारिश है शेयर कर दे जी। बिस्मिल्लाह करो चौ साहब, बिस्मिल्लाह करो। जी तलावत بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم. मिट जाएंगे
हशर तक नाम निशाने पंज तक रह जाएगा। अल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जी। रियासत की ये जमाना उसमें जी कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी जी, तो प्लीज शेयर कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनायतुल्लाह शाह साहब को तहरीके लब्बैक के सारे जितने भी कारकुन हैं, उम्मीदवार हैं, सबको ज़मान हाउस में खुश आमदीद। आज ये तहसील ना सिर्फ गुजर खान बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये एक बड़ा ही अहम दिन भी है और फैसला भी है कि एक खालसतन सियासी जमातों के लोग आज एक मजहबी जमात में शमूलियत अख्तियार करके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मैं अनायतुल्लाह शाह साहब को और आपकी विरासत से साद रिजवी साहब को मैं गुजर खान आने की दावत देता हूं, और आप आए तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि तहसील गुजर खान के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं अपना रोजा मुबारक के साथ। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 40 साल पिछला ये घर हम लोगों ने आंख खोली तो दुनियावी सियासत का हिस्सा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात अपने फायदे का सोचा जाता है और पाकिस्तान और अपने मुल्क का सौदा किया जाता है, और अगर कोई काम ऐसा हुआ है तो हम भी उसके मुजरिम हैं। और हमें अल्लाह ने मौका दिया है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की ये जंग अपने आप ये सब भाइयों के साथ लड़ें, और तहसील गुजर खान के सारे जो मुहिबुल वतन लोग हैं, मजहबी हलके हैं, उनको ये दावत दें कि इस मेरे बुजुर्ग चौधरी रियाज साहब जो मेरे ना सिर्फ बड़े, मैं थोड़ा सा तहरीके लब्बैक के साथ अपना जाती तल्लक, आज से 10 साल पुराना मेरा एक तल्लक है और शायद ये किसी को राज नहीं पता। खादम रिजवी साहब ने जब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के पास आए कराची, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया और अवाम ने उनको मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया, और उनको अमेरिका और इसराइल के कहने पे, आमद मीर का इंटरव्यू आप पढ़े या सुने यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जेल में इस वजह से 17 साल रखा कि उन्होंने मिसाइल बनाया था जो इसराइल को रीच करता था, और उस मरदूद ने जब मोहसिन पाकिस्तान को सिर्फ ये सजा देकर जेल में नहीं बंद किया, उनको सजा या तजलील नहीं की, ये पाकिस्तान के 25.5 करोड़ अवाम की तोहीन थी और उसकी हितल को ये बेइज्जती करवाई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इतने दुनिया में हमारे पाकिस्तानी जहां पे जाते हैं अपना नाम पैदा करते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन चंद हमें लीडर ऐसे मिलते हैं जिनकी वजह से हमें ये नाम दिया जाता है कि ये अपनी माँ को भी और अपनी बहन को भी बेच देंगे। ये मैं उन लोगों के लिए, आप हजरात की मौजूदगी में मेरे उस्ताद सईद शाह साहब इधर बैठे हुए, कहना चाहता हूं कि अवाम बिल्कुल बेगैरत नहीं है, हमारे चंद गद्दार लीडर होते हैं जिससे ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो डॉक्टर साहब का उस दौर में
इंतहाई जब वो मुश्किल वक्त में थे दुनिया उनसे भागती थी, लेकिन खादम रिजवी साहब ने गए और उनके हाथ चूमे और उन्होंने कहा कि ये मैं हाथ ये नहीं चूम रहा एक इंसान के, ये एक ऐसे अल्लाह की फरिश्ता सख्त शख्सियत के हाथ चूम रहा हूं जिसने पाकिस्तान को महफूज बनाया, हमारी बच्चियों की इज्जतों के लिए ये मिसाइल और एटम बम बनाए, और आपकी इज्जत करना पाकिस्तान की इज्जत करना है और अल्लाह को राजी करना, ये बड़ी बात है। मैंने खुद डॉक्टर साहब के साथ टाइम गुजारा और ये मैं समझता हूं कि जब ये फोटो तहसील गुजर खान से निकलेगा ये पूरे पाकिस्तान में सियासी हलचल मचाएगा कि एक तरफ खादम रिजवी साहब और एक मोहसिन पाकिस्तान, और फिर हम सब लोग मिलके ये ऐसा मुकदमा बनाएंगे, ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब करेंगे कि उनको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के साथ माजी में जो ज्यादतियां की हैं, ये मेरे अंदर एक आग थी बड़ी पुरानी, और मेरे अतीक भाई हों, सजाद भाई हों, बाबर भाई हों, इनसे सबसे राजा इश्तियाक साहब हों, और मेरा कोई लबैक वालों से रबते थे, लेकिन हालात और वाकयात ऐसे बनते हैं कि फैसले वक्त आने पर ही अच्छे लगते हैं। तो लिहाजा मेरा आज मुख्तसरन ये गुफ्तगु है और मैं आपको एक बताना चाह रहा था, लेकिन इस घर की जो थोड़ी सी तारीख है वो इस वजह से भी मैं बयान करना जिम्मेदारी समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे यहां पर बैठे हुए जो लोग जो अपने 60 साल से ऊपर है उनको तो पता है, जो 30 22 25 साल के नौजवान हैं उनको नहीं पता। जब आजाद हैसियत में चौधरी मोहम्मद रियाज साहब 1984 का जो इलेक्शन 1985 में हुआ था आज से 40 साल पहले, तो चौधरी रियाज साहब वो शख्सियत है आजाद हैसियत से पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेकर जीते, और उस वक्त किसी का कोई नाम और निशान था जियाउल हक होते थे, और जब उस वक्त खुदाई शुरू हुई और वहां से मियां नवाज शरीफ साहब निकले, बेनजीर आई और वहां से ये निजाम चलता रहा, तहसील गुजर खान को ये एजाज किसी को नहीं, ये चौधरी रियाज साहब को और उनके खानदान को है कि 7 लगातार इलेक्शन जीते। 7 लगातार इलेक्शन जीतना ये अल्लाह की मेहरबानी और तहसील गुजर खान के हमारे दोस्तों और भाइयों का हम पे एहसान था। 12 अक्टूबर आ गई, 12 अक्टूबर के बाद मैं ये इन कैमराज के जरिए और आप भाइयों के जरिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को इस शख्स पे जो अहमियत को या इन पर फोकियत दी गई और उनको आज प्रेफर किया गया, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि वो बरसर इक्तदार रहे, थाना कचहरी और ग्रांट्स उनके पास नहीं, लेकिन हमने उस वक्त ये फैसला किया अपने जमीर के मुताबिक कि हमने असूल का साथ देना है, डिक्टेटर के आगे खड़े हो गए और जम कर किया। मैं ये आज पहली दफा शायद बताना चाह रहा हूं, ये कभी बात नहीं बताई कि 2001 में मेरे अजीज बुजुर्ग मियां अजहर साहब ने मेरा नाम दिया तहसील जिले नाजम नायब नाजम का, और उस क्योंकि तारक कियानी का जमशेद गुलजार कियानी साहब ने नाम दिया हुआ था, मैंने माजरत की और मैंने कहा जी कि मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरा अपना जाती फैसला था, ऑफ कोर्स मेरे खानदान के रियाज साहब की सरपरस्ती। 2000 में मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता जनरल थे जो हुकूमत चलाते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी हमारी कैबिनेट का हिस्सा बने, हमने माजरत की। हमने 2002 में मैं और मेरा भतीजा नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े और हमने इलेक्शन हार गए, बड़े शोक से और बड़े जज्बे से लड़े, लेकिन हमने असूल प्रस्ती का साथ देकर शिकस्त खाई, और यहां पर जो मुशर्रफ की बाकियात थी जिन्होंने लाल मस्जिद पर केमिकल वेपन से बच्चियों और बच्चों को शहीद करवाया, आज वो लोग जिन्होंने काफ की बुनियाद रखी, बेसूली की सियासत की बुनियाद रखी, उन लोगों को आज नून लीग ने जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही
वो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है। आप जाएं नौकरी करें, असूल की बात करेंगे आप फर्क। आप टिकटों का तसलसल देख लें, आज उन्होंने चौधरी शुजात के घर चले गए बाद जमात पूरा टबर गया, और आप देख लें कि जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पास, उनको अगर पता चले कि कांग्रेस का एक आदमी है, नेहरू का कोई पोता है, गांधी का कोई नवासा है, लेकिन हमारी पार्टी के लिए मुफीद है, तो उन्होंने उनको साथ भी सियासी निकाह कर लेना। ये कितने, लेकिन मैंने 2002 में भतीजा और मैं इलेक्शन हारे, रात को बैठा फैसला किया कि इस शायद हमारा ये फैसला गलत था, कि उसके बाद मियां साहब ने हमसे आंखें फेरना शुरू कर दी, जिस पार्टी के लिए, जिसके लिए। और मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरी ये बात मैं एक भूल गया हूं कि बेगम कुलसूम का पूरे पाकिस्तान में पहला जलसा जो है, उनके सर पे चादर जो है वो जमान हाउस गुजरखान में चौधरी मोहम्मद रियाज साहब ने रखी। असूल की बात थी उस वक्त, और हमने रखी, और उसकी इतनी सजा मिली कि अरबों रुपए के कारोबार हमारे तबाह हुए। हमारे आज हमने जिनके लिए हमने एमएनएस की सीटें छोड़ी, मैं इलेक्शन हार गया, वक्त वजीर आजम मेरे घर आए और मुझे अपना एडवाइजर बनाया सियासी अमूर का, चौधरी रियाज साहब के एक कहने पे मैंने जमाली साहब से माजरत की, उस कुर्सी पे वो बैठे मेरी माँ के पास आए अल्लाह जैसे, और उन्होंने कहा कि खुर्शीद हमें दे दे, रियाज को बेशक नून में रहने दे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, तो मैंने इधर उनके ब्रिगेडियर इनाम होते थे MS, तो उन्होंने कहा कि बैठे, मैंने कहा जी मेरा और आपका सफर यहां तक ही था, वो वहां से फिर निकले। 2007 में जावेद इखलास साहब पूरी अपनी कैबिनेट 27 लोगों को ले गए इस्लामाबाद, मेरे घर आए, उन्होंने कहा जी आप आकाफ का टिकट लें, मैंने इनकार कर दिया, वो इलेक्शन वन साइडेड था, और हम लोगों ने उस वक्त यही कुर्बानी दी। और आज हमें, मैं समझता हूं कि आज हार हुई असूल के सियासत की, लेकिन हमने ये जो गलत फैसला सियासी जमातों ने एक कल्चर बनाया है कि आपने मफादात की सियासत करनी है, या जिन लोगों ने असूल की सियासत की पूजा करते हैं उन लोगों की शिकस्त में तब्दील करते हैं, इसके खिलाफ हमने सीसा पलाई की दीवार बनकर खड़ा होना है, असूल की सियासत करना है। और मेरा ख्याल है कि हम कुछ नसीब हैं कि हमें आज बाबा खादम रिजवी साहब के साथियों का साथ मिला, सुभान अल्लाह। आने वाले 2 हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला आपके मेहनत से और हमारी मेहनत से, आज के बाद 4 घंटे से ज्यादा सोना हमारे लिए आराम है, और इंशाअल्लाह ये कोई सर्दी नहीं हमारे लिए, हमने बस नमाजें पढ़नी है, काम करना है, और बड़े मकसद के लिए जिंदा रहना है। खुर्शीद जमान आपके लिए, चौधरी रियाज साहब के औलाद बच्चा सारा खानदान, जिस कोने में आप सुबह फजर के बाद बुलाएंगे, आप हमें रात को 2 बजे बुलाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। और मैं आप दोनों जो मेरे भाई छोटे हैं, राजा बाबर साहब, चेयरमैन शीला साहब, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जो रियाज साहब की उम्र है, रियाज साहब का एक जो भी है, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, मैं और खुर्रम जमान और हमारे खानदान का बच्चा दोस्त, हर वक्त हम हाजिर हैं, और इस जंग को जीतना है पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए। पाकिस्तान और इस्लाम दो अलग अलग नहीं है, दुनिया में 2 ममालिक मजहब के नाम पे बने, पाकिस्तान और इसराइल। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो इसराइल ने जो जुल्म कर किया जा रहा है, पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान, सारी दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने, उन्होंने नतन्याहू, जिसको बीबी कहा जाता है, वो जादूगर उसका लकब है, उसने कहा है कि 22 लाख गजा के मुसलमानों को मैंने मारना है अगली क्रिसमस से पहले पहले। 22 लाख बच्चा एक दिन का होगा या 100 साल का इंसान होगा, मैंने मारना है, कोई मुसलमान उठा ही नहीं। मैं समझता हूं कि लब्बैक के पास वो जज्बा है, वो हमारे पास फोर्स है,
कि हम कम अज कम पुरमन तरीके से एक अपना पॉलिटिकल आर्गूमेंट बनाकर दुनिया में पेश कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारी ये जो सफर है बहुत आला तरीके से आगे जाएगा। हमने क्या कहते हैं असूल की है बेअसूली की है, हमारे ये हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन अगर हमने उनका साथ 40 साल इस तरह निभाया है जिस तरह हक होता है तो आपके साथ तो चलना हमारे लिए स्वाब का काम है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। मैं खादम तहरीके लब्बैक रावलपिंडी डिवीजन हाजी मोहम्मद रमजान आवान चिश्ती, जनाब चौधरी मोहम्मद रियाज साहब और चौधरी शीर जमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि इन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर इन्होंने फैसला लिया और अपने उस 40 साल वो जमात जिसने इनके साथ इनकी जो अहमियत थी, इनकी जो तरीके मुल्क के लिए खिदमात थी अपने तहसील गुजर खान के हवाले से उसको नज़रअंदाज करने पर, मैं कहता हूँ कि ये वक्त ऐसा ही था कि हर टाइम हर काम का वो वक्त होता है। इन्होंने जो फैसला लिया इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा शामिल है, क्योंकि बंदा कोई भी हमारी जमात में खुद से नहीं आ सकता। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं दीन मुस्तफ़ा के लिए दी हैं, अगर इलेक्शन के लिए या सिर्फ कैंडिडेट बनने के लिए या टिकटों के लिए दी होती तो आज ये हम ये फैसला ना कर सकते जो हमने किया है। मैं शाह साहब का भी किबला हमारे सैयद अनातुल्लाह शाह साहब शमाली पंजाब के अमीर मौजूद हैं, ये बेहतर जानते हैं कि हमारी तहरीक का काज हमारी तहरीक का मिशन क्या है। अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब डॉक्टर कदीर साहब के हाथ चूमे थे तो उन्होंने खिताब में बता रहे हैं कि मैंने हाथ, डॉक्टर साहब कहते मैंने समझा था आप बड़े सख्त से मौलवी हैं तो मेरे हाथ क्यों चूमे, तो अमीर मुजाहिदीन ने जो मना कहा ना उन्होंने कहा यह हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने तीर बनाया, जिसने तीर पकड़ाया, जिसने तीर चलाया, ये तीनों जन्नती हैं। आप तो जन्नती हैं, आपने तो एटम बम मिसाइल और वो ताकत दी है कि जो इसराइल तक यहूदा नसारा को परेशान कर रही है। उस मौसम पाकिस्तान को भी जिस जमातों ने जिन लीडरों ने दीन के इस मिशन के साथ जुड़े होने की वजह से कि आपने इसराइल तक मार करने वाला मिसाइल क्यों बनाया तो उसको नजरबंद किया गया। ये तो मैं कहता हूँ जफरुल्लाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दस्तखत नहीं किए वरना डॉक्टर को भी याफिया सिद्दीकी की तरह उनके हवाले करने वाले थे। ये जमाली साहब का इंटरव्यू जो आखिरी था जब उन्होंने उस चलती हुई गवर्नमेंट से वजीर आजम होने के नाते किक मारी, किस वजह से मारी, खत्मे नबूवत में तरमीम हुई, मैं मदीना पाक 36 मरतबा जा चुका हूँ, मैं किस मुंह से बारगाह रसालत के सामने सुभान अल्लाह। अगर आका करीम ने सवाल कर दिया जमाली तू उस असेंबली में मौजूद था जिसमें खत्मे नबूवत में तरमीम हुई, अब तो इन सब जमातों ने किसी ने आसिया मलूना को छोड़ा, किसी ने तरमीम करने में हक अदा किया, किसी ने मुमताज कादरी को फट्टे लगाया, ये सारे किसी ने शैतान तसीर का जनाजा पहली सब में पड़ा। हमारा मुकाबला आलम कुफर यहूदो नसारा से है, उनके एजेंटों से है। हम चाहते हैं कि चौधरी साहब इस सब में शामिल हुए, हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज इन्होंने जरूरतमंद फैसला लिया है। जिंदगी का कोई पता नहीं, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं, दादा मौजूद है पोता चला जाता है, लेकिन चौधरी साहब और मेरी उम्र अब 65 हो चुकी है, ये 70 के हैं, अब सांस का कोई पता नहीं है, जो हालात आपके सामने है रोजाना कितनी मौत हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारा जनाजा उठे तो लब्बैक की सदाओं में उठे और ताजदार खत्मे नबूवत का नारा लगे तो हमारी निजात इसी में है। हम तो दावत देते हैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को कि आए, अब वक्त है कि निजाम मुस्तफा के लिए खड़े हो जाएं। कब तक इस कुफरिया निजाम, सूदी निजाम, क्रॉस जनरल पेल, शराब के परमट, कौन सा काम इन हुक्मरानों ने नहीं किया? एक दीन का काम मुझे बता दें कि किसी भी बजट में किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी के लिए कोई अगर बजट है तो मंदिरों के लिए, चर्चों के लिए, क्रिसमस के लिए,
और खुदा के बंदो हमने मरना नहीं है, एक दिन मरना है। तो इंशाल्लाह ताला कल हमारा एक जवान कौंत्रीला में जनाजा हुआ, मरते वक्त कलमा भी पढ़ रहा है, दुरूद सलाम भी पढ़ रहा है, अपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है, और उसके बाद वो कलमा पढ़ने से बाद सलातो सलाम पढ़कर उसका रूह परवाज हुई है। जनाजे ये हैं मेरी, ये है कि जिस मौत पर शहीदों को भी रश्क आएगा कि हमारी मौत कैसी है, एक दिन इस दुनिया का निजाम लपेट दिया जाएगा। तो हम कल ये तो कह सकें या रसूलल्लाह, जब मस्जिदें बंद हो रही थी, जब मस्जिदों के स्पीकर उतारे जा रहे थे, जब आपके अजमत पर कुरान पर ये सारी करतूतों पर इन्होंने काम किया है, तो इसमें हमारा किरदार ये था कि हमने उस वक्त नारा बुलंद किया लब्बैक या रसूलल्लाह का, जब आलम कुफर एक साइड पे था, वक्त के यजीद सारे एक साइड पे थे, और हम आका करीम के उस गुलाम खादम साहब इसमें के साथ खड़े थे। और इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि चौधरी बरादरान भी हमारा जब साथ देंगे तो किसी ने भी तीन दफा वजीर आजम रहने वाले का हाथ नहीं चूमा होगा। इंशाल्लाह आज के बाद चौधरी साहब के भी हमारे भी लोग हाथ क्यों चूमते हैं, इसके पीछे वही है सैयद अमीर अली शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जो खत्मे नबूवत का काम करता है उसकी पोस्ट के पीछे आका करीम का हाथ होता है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक दफा फिर चौधरी बरादरान का इंतहाई दिली मशकूर हूँ, टिकट मेरा था, मुझे हमारे अमीर मोहतरम भी तशरीफ फरमाए, पूरी हमारी पार्लिमानी बोर्ड जो कि हमारा पार्लिमानी बोर्ड है मरकज में अमीर मोहतरम की क्यादत में, उन्होंने फैसला किया था ऐसा आप सुबाई में लड़े कौमी में लड़े। मैंने कहा जी ये वक्त है कि अब वक्त है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी की सुन्नत पूरी करने वाले माली लोग भी आए, ताकतवर भी लोग आए। इस्लाम हमेशा बंदे को पैदल नहीं रखता, इस्लाम वो है जिस सहाबी ने एक मुठ जो की दी ना तो फिर कैसर कसरा के ताज उनके कदमों में आए। इसलिए अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत तो इज्जत उसी की होगी जो इज्जत है रसूल की बात करेगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मेरे बुजुर्ग और दोस्तों और बिल्कुल साफी अदरार, आज का दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है कि तहसील गुजर खान की नामी ग्रामी शख्सियत और एक बड़ा ख़ानदान चौधरी मोहम्मद रियाज साहब और जनाब चौधरी खुर्शीद जमान साहब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत पर खुश आमदेद कहता हूँ और इस उम्मीद का इजहार करता हूँ कि क़िबला अमीर मुजाहिदीन ने जो दीन को तख्त पे लाने का ख्वाब देखा था उसके लिए इनका हमारी जमात में आना जो है इंतहाई सूदमंद होगा। जैसे अभी चौधरी खुर्शीद जमान साहब ने खुद अपने बयान में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो लिमिटेड कंपनियाँ बन चुकी हैं, कोई उसूल व ज़वाबित नहीं, अवाम की सुनवाई नहीं। ये काबिले गौर बात है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है लेकिन इन लोगों के कारोबार जो हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, हमने आज तक मुल्क बना रहे हैं। इन सब से निजात का वाहिद ज़रिया जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है, जब तक हम उस पर अमल पैरा नहीं होंगे हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी आखिरी निजात और बका इसी में है कि हम दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाएं और जो निज़ाम हुजूर ने हमें दिया है उस पर अमल पैरा हो। और इनकी शमूलियत और बाकी भी आप हजरात अगर हमारे जो उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं वो देखें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस तासुर को यकसर गलत साबित किया है कि लब्बैक सिर्फ मौलवियों की जमात है। यह अलग बात है
कि लोग जब हमारे साथ वाबस्ता होते हैं तो अगर पहले दाढ़ी नहीं तो कोई दाढ़ी भी रख लेते हैं, कोई अमामा शरीफ भी पहन लेते हैं। ये जमात अवामुन नास की जमात है, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, प्रोफेसर, हर शोबा जिंदगी के लोग आ सकते हैं। और ये एजाज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हासिल है कि उसने गरीब लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा किया है कि वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बड़ी जमातों के आपको पता है टिकट के उसूल के लिए पहले करोड़ों रुपए की रिश्वत लेनी पड़ती है। तहरीक लब्बैक बबांगे दोहर ये ऐलान कर सकती है कि हमने अपने उम्मीदवारों से कभी जो है एक कागज जो है उसकी कीमत भी वसूल नहीं की पार्टी फंड के नाम पर। कोई उम्मीदवार ये नहीं कह सकता कि यहाँ इन्होंने कभी जमात ने हमसे फंड जो है इस मद में लिया हो। और हमारे लोग कितने कमिटेड हैं जमात के साथ, आपको पता है जिसके साथ 10 आदमी हो वो भी कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा भले हार जाऊं। जमात ने हाजी रमजान साहब को टिकट दिया, हाजी रमजान साहब ने सज्जाद भाई को टिकट दिया, और सज्जाद साहब ने जब ये देखा कि हमारे चौधरी साहब जो हैं ये मुझसे भी बेहतर हैं, बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तो उन्होंने भी इनके हक में विड्रॉ किया। तो ये हमारी जमात ने जो है दूसरे लोगों को ये पैगाम दिया है कि हमारा मकसद फकत अपनी जात को इक्तदार में लाना नहीं या असम्बली में पहुंचाना नहीं या जाती नमूदो नमाइश नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमारे नजरिए की जीत हो। चौधरी रियाज साहब कौमी असम्बली में जाकर जब बयान करेंगे ये मेरा भी फखर होंगे, हाजी रमजान साहब का फखर होंगे, सज्जाद भाई का फखर होंगे, पूरे इलाके का फखर होंगे। और इंशाल्लाह जब हम आज यहाँ से उठेंगे तो बड़े बड़े घरों में सफे मातम बिछ जाएगी तो ये क्या होगा, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और लोग, मैं वो पहले भी सुन रहा था, कोई यहाँ पे एक मोहतरम है तो वो कह रहे थे इन्होंने कैसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं। तो बात ये है बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे काफिले में खड़ा होता है जो उसके लिए मुनासिब नहीं होता। हजरत होर घर से तो चले थे मकाम को शहीद करने के लिए, लेकिन जब मैदान करबला में पहुंचे अल्लाह ने दिल को बदला तो हुसैनी काफिले में शामिल हो गए। नवाजी होती है कि जब बंदे को दिल को मोड़ दे, तो चौधरी साहब को भी अल्लाह ने तौफीक दी है। सारी उम्र दुनियादारों के नारे लगाए हैं, हमारी जमात में किसी दुनियादार का नारा नहीं, नारा ताजदार खत्मे नबुव्वत का है, हजूर अलैहिस्सलाम का है। और हकीकत में ये सियासत जो है वो इबादत है। जब भी हम हुजूर का नाम बुलंद करेंगे अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। मैं आखिर में अपने तमाम तहसील गुजर खान के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे राजा इश्तियाक साहब हैं, इस काम की बुनियाद तो इन्होंने रखी, इन्होंने अपना टिकट छोड़कर पहले बाबर भाई के लिए छोड़ा, और फिर हमारे अजमल कुरैशी साहब, इन्होंने अपना टिकट जो है हमारे तारिक इस्माइल साहब को छोड़ा। तो हम जितने पुराने लोग हैं हमारा मकसद यही है, नए लोग आए हम उनके दस्तों बाजू बने, हमारी नजरिए की जीत हो। मैं एक बार फिर चौधरी बिरादरान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें वाज़े बर्तरी के साथ कामयाबी अता फरमाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पहला नारा असम्बली में ताजदार खत्मे नबुव्वत का इन्हीं की जबान से लगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक इसकी नाम नहीं कर रहा। अवान साहब, बाबर अहमद, शहजाद भाई और जनाब शीला इस्माइल भाई माशाल्लाह जी बहुत हस्तियाँ यहाँ तशरीफ फरमा है, साफी आजाद भी मौजूद हैं हमारे मुस्लिम लीग के
जलसा साथी भी मौजूद थे, तारीख लब्बैक के वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने तमाम पर एनर्जी है वो इस मुल्क में दीन की बेहतरी। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब मुझे बाबा रहमत ने पापा ने खुशी इस्मान साहब ने और बेटे गुरुमान हम सब बैठे थे, तो कल जब टिकट की अनाउंसमेंट हुई परसों रात को, तो मैंने मुख्तलिफ में दोस्तों से और अपने आप से बात की। हमारा कोई मसला नहीं था लंबा चौड़ा, मगर हमारे अपने एक दोस्त जो हमारे साथी थे, मेरे साथ 85 से चले थे, राजा जावेद अखलास साहब, वो मेरे साथ 98 तक बड़े अच्छे चलते रहे, मगर अचानक जब मार्शल ला लगा 12 अक्टूबर आया, उन्होंने आदि के मकाम पर मास्टर मुनीर के घर पर मेरी पहली मुलाकात हुई। मार्शल ला लगे, हम लाहौर से, मैं उस वक्त वजीर था, मैं वहाँ से आया, यहाँ आया सभा से मुलाकात की, तो मैं वहाँ चला गया, मेरे मास्टर मुनीर साहब के घर राय साहब से मेरी मुलाकात। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहना शुरू किया, मैं कहा राय साहब आप जी क्या कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है कि वो मुश्किल वक्त में है और अभी हमें मालूम भी नहीं कि वो जिंदा है या दुनिया से चले गए हैं। राय साहब ने कहा बड़ा वो था जीम था ये वो करके, मैंने काफ़ी राय कर दिया और चला गया। राय साहब वक्त के साथ साथ कभी तरम शरफ के तले जाते, तो मैं आल कैंप के तले जाते, हर जगह ये करते रहे। अब 2013-12 में इन्हें हमारे बड़े मेहरबान दुनिया नवाशी के बड़े साथी, मैं आपको इस चीज से बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो आपके लिए, मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े उस वक्त मुसीबत में थे, हालात की और 13 का इलेक्शन का क्लियर हो गया, तो निशान साहब ने यहाँ बैठ के मेरे लाउंज में कहा को क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, तो तारे फजल और मलकेदार ने कहा जावेद खान से जावेद खान। तो मैं खुद भी समझा क्योंकि ये काम है, मगर उस वक्त मेरे तमाम दोस्तों ने कहा जो शख्स ले रहे, तो मैंने कहा इस शख्स में एतमाद नहीं किया जा सकता, इसका नाम राजा जावेद खान है, उस पर एतमाद करना बड़ा मुश्किल था। आज मुस्लिम लीग नून में से जितने लोग काफ गए, पीटीआई गए, कहीं और गए, तो अजीम से लेके शुरू करो, जावेद कौशल से करो, इफ्तिखार वारसी है, शौकत अजीज भट्टी है, वकार है, ये बजाते खुद जनाब मोहतरम जो आपके एमपी के कैंडिडेट हैं, क्या नाम है इसका, राजा बाबक, पूछा जा राजा बाबक, राजा बाबक राय साहब तुसा की भी जावेद खास साहब आना, थोड़े बाद वकार का ही आ गया इधर उधर आ गया, एक बंदा तो छोड़ तहसील है सारा सौदा तो सारा सौदा राय साहब बेचने गए। मेरा इख्तलाफ उससे 15 दिन पहले मैंने कहा राय साहब मेरे बेटे का टिकट मेरा टिकट कहना जी एक टिकट से एक टिकट से, मैं कह रहा तू ही की आ नहीं बोल रहा, आज बारसी साहब आए क्योंकि भट्टी साहब रात को आए थे राय साहब में बैठे, मैंने कहा राय साहब कोई एक सच्ची बात आप बता दें, बस भाई आपने झूठ बोला। 13 में जब ये इलेक्ट हो गए, मेरे कागज रिजेक्ट हो गए, मैं टिकट नहीं दिया, छीना नहीं, जिन दो जजों तीन जज थे, जिन दो जजों ने मेरा टिकट उसको किया, मेरे मौला ने उन्हें कल सलाह दे दी, दोनों ने रिजाइन कर दिया। जब अब
कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, हम जैसे नुमाइंदों के खिलाफ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर कदीर खान हो। डॉक्टर कदीर खान एक मोहसिन है पाकिस्तान, कभी किधर भी अच्छे अच्छे लोगों को जेल में मौलवी सारे जेल कटी आए, किस लिए? दीन की खिदमत। तो अर्ज है कि खिदमत इंसानियत की करने वाले मेरे नज़र में फरिश्ते हैं। सियासत का नाम इबादत है, मगर ये इबादत मुझे कल जब समझ लगी कि इबादत नहीं, तो झूठ का मामला जिक्र खान को बेचा जा रहा है। मैं मशा किया बेटा, और लंदन से आए हुए 1.5 साल हो गया, खुर्शीद जमान साहब आए, तारी हमने बात की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में इस समय अवान साहब आए, उन्होंने कहा ये रास्ता है। सबसे पहले फ़ोन मैंने इसको किया, शहजाद मैंने कहा जी राय साहब को हमारा टिकट जो है हमारा दे दें, मुझे दें, मेरे बच्चे को दें, किसी को दें, एक टिकट हमें दे, हम इंतजार करें। राय साहब का सच नहीं है, सच बोल नहीं सकते। सियासत सच्चाई का नाम है, अगर मेरा भी कोई एक झूठ पकड़ ले तो आपकी जूती मिला सकती है। बड़ी बात है, जबरदस्त। मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैं आवाम से झूठा लड़ा नहीं किया। हम 85 में बने, हमने कहा था हम लोगों की खिदमत करेंगे। हमारी इस तहसील गुजर खान में स्कूल नहीं थे, सड़क सिर्फ गुजर खान से पटाना तक थी, वो टूटी फूटी। गुजर खान से गुजराने की तरफ थी तो ये पुल नहीं था, जो दुल्मी पुल जिसको आज में एक ही जगह में मेरा पत्थर लगा हुआ है, जो पुल सड़कें बनाई। अब पूरी तहसील में दरिया जेलन तक पुल है, इधर आजाद कश्मीर किया, इधर तो चकबेली की तरफ 3 तक चला लिंकी और चकवाल, लोगों बनाए। गुजर खान में लड़कियों का एक हाई स्कूल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 स्कूल हैं। डिग्री कॉलेज हमने बनाया, स्टेडियम मैंने बनाया। सुई गैस 6 दिसंबर 1992 को आई, डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज। मैं इनसे कहता हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद अगर आपने कोई 2 स्कूल बनाए नए स्कूल क्रिएट के, नए स्कूल वो जो ना अपग्रेडेशन वो नहीं, नए स्कूल, तो चौहान साहब बैठे इनकी जरूरत है, इन्होंने कहा कि मुझे 2 स्कूल फलां जगह बना दो। अगर कोई भी 2 स्कूल राजा प्रवेशन, राजा जावेद अखलास ने बनाए, 2 मील लुक की सड़क नहीं, अगर कोई 15-20 बेड का अस्पताल अगर इन दोनों ने बनाया है, तो मैं बाखुदा ये कहता हूँ कि आप 3 साफी अपनी टीम बना लो, चेक करो, अगर आए तो मैं सुबह विड्रॉ कर लूँगा। बड़ी बात है, विड्रॉ कर लूँगा। आज आगे मैं अपने वर्कों को कहता था, दोस्तों भाइयों बच्चों को, आज तो वो मेरी ताकत है जो आज मुझे अल्लाह ने के नबी ने अता की, उसकी रसासत से मुझे मिली है वो ताकत। जो नौजवान है ये बड़े हैं, ये 2 बैठे हैं जो लोग, इनका शासन कोई काम नहीं था। शीले को भी मैं जानता हूँ, तो राजा करामत को भी जानता हूँ, राजा करामत के साथ जाते हैं, मेरे साथ उन्होंने काम किया हुआ, मगर अल्लाह ने इनको इस लाइन कर लिया। चंद दिन पहले तो ये नून में मेरे साथ था, मगर इसको राजा जावेद अखलास साहब लाए, जल्दी का भी बड़ा जबरदस्त लगा, जल्दी याद आ जा। मैं ये कहता हूँ अब ये फौज जो है ना, जहाँ भी राजा प्रवेशन उसको बताएंगे आपने क्या, वो कहेंगे मैंने एक मोरिया पुल बनाया और एक पासपोर्ट दफ्तर बनाया। ओ शुक्र है भाई,
और कुछ नहीं हमने छोड़ा। दो सड़कों को उसने डायरेक्टिव किया है, मुंद्रा चकवाल सोहा चकवाल, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डेढ़ साल बाद नहीं उन्हें किया मुंद्रा चकवाल तो इन राय साहब का जो चकवाल मुंद्रा रोड हुए जी राजा परेशर साहब ने किया मंदरा चकवाल नवाज शरीफ साहब का भी चकवाल है। मैं आज अपनी नई जिंदगी का आगाज कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेरी किसी मुस्लिम लीगी से नाराजगी नहीं, मेरी सिर्फ नाराजगी है राजा परवेज़ से इसलिए नाराजगी है कि तुम्हें गुजर खान की आवाम ने वोटें दी मुल्क का वजीर आजम बना फेडरल मिनिस्टर बना स्पीकर बना मगर गुजर खान को तुमने कुछ नहीं दिया मेरी बच्चियों के लिए तुमने यूनिवर्सिटी नहीं दी हमारे नौजवान बच्चों के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट का लगवा देता सात आठ इंडस्ट्री लगी होती नौकरी कर अगर हूं ही जिते बनाई ना उ दो मरले जमीन पर बनी हुआ है ना तुम्हें सच हो यूनिवर्सिटियां पर बननिया भी माहवां पर तमाम दोस्तों के वास्ते आज हम कल इंशाल्लाह मैं कागज अपने दाखिल कराऊंगा इंशान के लिए और इंशाल्लाह वो निशान आपका है मेरे अल्लाह के नबी का निशान हमने वो इलेक्शन जीतना है इन दोनों को कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चौधरी मोहम्मद रियाज से इनका गन साफ करेंगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदा खत्मे नबुव्वत ईमान रखते हुए ये हलफ देता हूँ कि नजरिया पाकिस्तान की रोशनी में पाकिस्तान को मुस्तहकम मजबूत और खुशहाल मुमलिकत बनाने के लिए मुमलिकत और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के प्लेटफार्म से अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला ख़ादिम हुसैन रिज़वी के जानशीन मरकज़ी अमीर साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी का पैगाम गली गली महल्ला महल्ला पहुंचाने में अहम किरदार अदा करूंगा। पाकिस्तान की बका इस्तेहकाम और वतन अजीज में इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मुअस्सर किरदार अदा करूंगा और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करूंगा। आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक माशाल्लाह।